अवैध रियल एस्टेट कंपनी बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर किसानों और लोगों की कमाई को लूटने वालों के खिलाफ लामबंद हुए किसानों ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि पहले से ही ब्लैक लिस्टेड और चर्चित शाइन सिटी के ही कर्मचारियों द्वारा दूसरी अवैध कंपनी बनाकर स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे थाने के बगल में ही दफ्तर खोलकर लोगों से ठगी की जा रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी है। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस उपायुक्त पूर्वी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुनवाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने की भी किसानों ने चेतावनी दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा सरकार की एक ऐसी संस्था है जो किसी भी अवैध निर्माण संबंधी गतिविधियों पर न सिर्फ नजर रखती है बल्कि उसके खिलाफ जनहित में फैसला भी लेती है। रेरा की तमाम तरह की सख्ती के बाद भी अवैध रियल एस्टेट का कारोबार लखनऊ में काफी फल फूल रहे। इनके अवैध कारोबार में स्थानीय पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। आरोप है कि संदिग्ध पुलिसकर्मियों की भूमिका के चलते अवैध रियल एस्टेट के मालिक बेखौफ होकर किसानों के साथ धोखा करने के साथ ही प्लॉट के नाम पर लोगों की गाड़ी कमाई का हिस्सा चट कर जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट ने पुलिस उपायुक्त पूर्वी चारू निगम के कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि ऋचा शुक्ला और आशीष पटेल द्वारा अवैध रियल एस्टेट कंपनी कैरियर ग्रुप के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। लंबा घोटाला करके हजारों करोड़ का भग गई। उनके खिलाफ 3000 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए। उनमें जितने भी एसोसिएट शामिल थे उन्होंने अपना नाम बदलकर फिर पुनः उसी लाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। उसके विरोध में हम लोग आज मैडम से मिलने आए थे कि जो भी ऐसे एसोसिएट हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ अभियोग दर्ज कर जिन किसानों का पैसा उनके द्वारा जब्त कर लिया जाता है और भग जाते हैं उस पर कार्रवाई करते हुए उनका पैसा वापस दिलाया जाए। इससे पहले दोनों आरोपी ब्लैक लिस्टेड कंपनी शाइन सिटी के कर्मचारी थे। कंपनी के खत्म होने के बाद दोनों ने कैरियर ग्रुप नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई और शाइन सिटी के नक्शे पर चलकर लोगों से ठगी की। अनुमान के मुताबिक अब तक 25 करोड़ रुपए की ठगी दोनों के द्वारा की जा चुकी है। ऋचा शुक्ला और आशीष कुमार पर गोमती नगर थाने में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। आशीष पर तो अयोध्या में भी फ्रॉड के कई मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद भी दोनों के द्वारा गोमती नगर थाने के बगल में ही कार्यालय खोलकर लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डाला जा रहा है। किसानों का आरोप है कि कथित कंपनी के पास 5 बीघा जमीन भी नहीं, इसके बावजूद भी कई बीघे जमीन का सौदा किया गया। कथित कंपनी के खिलाफ पुलिस उपायुक्त पूर्वी चारू निगम ने कार्रवाई का किसानों को भरोसा दिया है। उनके कई सारी एप्लीकेशन इकट्ठा कर भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के जिलाध्यक्ष आए थे, उनका ज्ञापन मैंने ले लिया है। जो जो पुलिस से संबंधित है पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें मेरे द्वारा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। इसके अलावा उनका और आरोप थे कि कोई कंपनी जो पहले अगर फ्रॉड हो गई तो उसके बाद दोबारा रजिस्टर ना हो, तो इस सब के संबंध में ROC को ये हम इनका ज्ञापन आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अवैध रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ रेरा के द्वारा तमाम तरह की सख्ती के बावजूद भी अवैध रियल एस्टेट का कारोबार लखनऊ में काफी फल फूल रहा। ये वो लोग हैं, ना इन्हें सरकार का डर है और ना ही सरकार की किसी संस्था का इन्हें कोई खौफ है। यही वजह भी है कि ऐसे लोग थानों के बगल में या फिर उसके आसपास ही अपना कार्यालय बनाकर बड़ी आसानी से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं। ऐसी जगह पर दफ्तर खोलने का इनका मकसद यह रहता है कि किसी को इनके कारनामों पर शक ना हो और ये आसानी से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना सके। धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज, लखनऊ।